हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनेद फ्रॉम हरियाणा। आज मेरे पास मिस फोर्स के कुछ आइटम आए हुए थे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं और मैं आपको दिखाऊं जो मेरे पास कौन कौन से आइटम इसके अवेलेबल है। ये मिस फोर्स का फ़ोटो फिनिश प्राइमर है, ऑयल फ्री है और अच्छा है। जैसे लिक्विड प्राइमर होते हैं उस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट आइटम है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। इसी तरीके से ये मिस फोर्स का 3-in-1 कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसके अंदर 2 फेस पाउडर है और 1 लूज पाउडर है। और थोड़ा साइज़ में डिफरेंट जो दूसरे आते हैं ना फेस पाउडर, उनसे थोड़ा काफ़ी बड़ा है और क्वालिटी वाइज अच्छे आइटम है। इसी तरीके से ये लिक्रियन आती है मिस रोज़ की, इसके अंदर अब पहले 10 कलर आते थे, अब एक कलर मैरून वो उन्होंने बंद कर दिया है। अब 10 डिफरेंट कलर नहीं है, एक सिमिलर कलर मिलेगा, 10 कलर आपको मिलेंगे। ये भी अवेलेबल, आप सिंगल लेना चाहो तो आप सिंगल भी देख सकते हो। अच्छा, इसकी भी पिगमेंटेशन अच्छी है, मैट में होता है, क्वालिटी वाइज इसकी भी अच्छे रिव्यूज़ है। इसी तरीके से ये मिस रोज़ का ब्लश ऑन है, सिंगल शेड। अच्छा, फिर ये आ जाती है इनकी मिस रोज़ की बेबी क्रीम। अच्छा, हाई कवरेज है, SPF के साथ है, आप इसको डे में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये डे बेस है, डे में यूज़ कर सकते हैं ये। इसी तरीके से ये मैट इनका फाउंडेशन आता है, जिसको थोड़ा सा ऑयल आता हो फेस पे या एक्नी इशू हो तो वो ये यूज़ कर सकते हैं, ऑयल नहीं आता इससे। इसी तरीके से ये इनका नॉर्मल फाउंडेशन, ये क्वालिटी वाइज इनका ये अच्छा है, चलता है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। आईब्रो पैलेट है इसी तरीके से इनकी, इसी तरीके से इनका ये लूज़ फेस पाउडर है, लूज़ फेस पाउडर कहते हैं सर। अच्छा, इसी तरीके से मिस रोज़ का ये काजल है, काजल के अंदर आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। इसमें मेरे पास ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है, ये सारे जो चलते हुए कलर हैं सब मिल जाएंगे। एक इन्होंने थोड़े टाइम पहले कॉम्पैक्ट पाउडर निकाला था वाइट कलर में, इसकी कम डिमांड है, मगर कुछ लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं फेयर कलर के लिए, बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसका नॉर्मल फेस पाउडर है, ये बड़ा चलता है, 2 VKG है। ये इनकी स्टिक है, स्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, हाईली पिगमेंटेड है। इसका ये आईब्रो मार्कर है, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इसी तरीके से इनका ये काजल आता है, 2-in-1 काजल है। इसके अंदर एक ब्राउन काजल होता है और एक ब्लैक काजल होता है। मैं आपको अगर इसको चेक करा सकूँ खोल के, ऐसे करके होता है। इसके अंदर एक ब्रश होता है, बाकी 2 साइडों पे एक ब्राउन एक ब्लैक काजल होता है। ये इनका फिक्सर है मिस रोज़ का, मिस रोज़ के 2 फिक्सर आते हैं, मैं एक और वो दिखाता हूँ। एक O2 के नाम से आता है और एक ये आता है मैका फिक्सर नेचुरल के नाम से। ये इनका स्टेम लाइनर है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, डिमांड है इसकी, ये भी चलता है। आप आ जाते हैं इसके ये हाईलाइटर पे, हाईलाइटर 6 कलर के हैं, अच्छे कलर चलते हैं ये वाले सारे। और इसी तरीके से ये मिस रोज़ का मैजिक हाईलाइटर है, लिक्विड में जैसे आइकॉनिक हाईलाइटर आते हैं वैसे। अब इसी तरीके से मेरे पास बैनी के हाईलाइटर है, शाशा टिंट, गोगो टिंट, बैनी टिंट। और फिर आप बायो एक्वा के ये मास्क आ जाते हैं, ये लिप मास्क है इनका, ये बायो एक्वा का, सॉरी बायो एक्वा का नहीं है, दूसरी कंपनी का ये आई मास्क आ जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।